नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। इस वक्त राजनगर प्रखंड अंतर्गत टिड्डी पंचायत में मौजूद हूं और कल से जो है झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है और आज टिड्डी पंचायत में इसी का शिविर लगा। यहाँ पर तमाम जो स्टॉल्स हैं जिसमें आपको जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से है वो सीधा बेनिफिट आपको मिल सके, इसको लेकर यहाँ पे पहल की जा रही है। और राजनगर प्रखंड अध्यक्ष जो है हमारे साथ रामजीत हंसा जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत सारी योजना जो है सरकार की नई नई योजना, जैसे कि बताया कि आबू आवास योजना के बारे में, इस आज के दिन में क्या कुछ आबू आवास योजना को लेकर यहाँ कितने लोग आए थे और क्या कुछ योजनाओं को आप लोगों ने बढ़ावा दिया इस बार? आज ये तीसरा चरण का जिला सरायकेला खरसवां प्रखंड राजनगर पंचायत टीटीटी गाँव में, इससे पहले डूडी पोदा पंचायत में हुआ था, वहाँ भी बहुत जन सैलाब था और आज ये दूसरा दिन है, तीसरा चरण का यह अवसर है। और मंत्री जी आगमन के बाद यहाँ पर, और पहले से भी भीड़ था, जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ जन सैलाब देखने को मिला। हेमंत सरकार, ये झारखंड सरकार, ये गांव के या समाज के अंतिम पैदान व्यक्ति तक पहुँचाने का योजना जो प्रत्येक पंचायत में क्रमबद्ध तरीका से रखा है, इसमें हमें खुशी है और हम आशा करते हैं कि और भी पंचायत में जो भी प्रोग्राम होगा, जो क्रमबद्ध तरीका से डेट फिक्स किया गया है, और उसमें भी बहुत भीड़ होंगे, लेकिन ये विकास का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे जल और पानी की समस्या हो, ये जो है ना योजना इस पंचायत में यह स्टॉल लगा गया है, लगभग 21 स्टॉल लगा गया है, उसमें भी क्रमबद्ध तरीका से योजना को प्रदर्शित किया गया है और इसमें आदमी लोग जो है ना उस स्टॉल से आवेदन लेकर के तुरंत वहां से जो है ना स्वीकृति मिल करके जो है ना निष्पादन किया जा रहा है। हेमंत सरकार का सोच कि गांव के अंतिम पैदान व्यक्ति तक पहुंचाने का, ये सोच जो है ना बड़ा तगड़ा है, इससे हम बहुत खुश हैं। हम प्रखंड कमेटी साथ ही साथ इस क्षेत्र के आदमी लोग, इस सरायकेला या प्रखंड क्षेत्र के आदमी लोग बहुत खुश है। ऐसे योजना यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि अबुआ आवास, अबुआ आवास में सबसे ज़्यादा आवेदन गिर रहा है और इसमें जो है ना ये नई योजना है हेमंत सोरेन की, और इस योजना में बहुत सफलतापूर्वक जो है ना आवेदन गिर रहा है। इसमें हमको ऐसे लगता है कि ये केंद्र सरकार जो पीएम आवास से जो है ना इस क्षेत्र में अबुआ आवास में बहुत प्रभावित है लोग। इसमें जो ना राशि को भी थोड़ा बढ़ाया गया है और इसमें 3 कमरा का आपका रूम बनेगा, ये जो है ना लगभग आपका 3.5 लाख राशि आसपास है। और ऐसे योजना जो और भी जो है एजुकेशन के मामला में, जो स्टाइपेंड के रूप में जो है ना छात्रवृत्ति के रूप में छात्र को मिल रहा है, उसका भी निष्पादन हुआ है। और सारे बहुत सारे ऐसे योजना है जो जगह जगह से लाभुकों को उससे लाभान्वित हो रहा है। और ये आपकी योजना, आपके द्वारा सरकार, आपके द्वारा ये जो है ना, ये हेमंत सोरेन की ये सोच यहाँ जो है ना यहाँ से भी नकल किया गया है आपका ममता बनर्जी, वहाँ तो इस योजना को बहुत तरह तरह के बहुत तरीका से चला रहे हैं, वहाँ तो ना यहाँ तीसरा बार, वहाँ जो है ना 6-7 बार चलाया गया है। तो हमें इससे खुशी होता है कि इस ऐसे योजना, ऐसे योजना को जो है ना धरातल में पहुंचाने का काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। इसका सोच है कि किसी को भी जो है ना आपका योजना से वंचित नहीं हो, इसका ऐसा सोच है। हम लोग ऐसा करते हैं कि आने वाला समय में भी हमारे जमीन सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, जिस तरह हम लोग इस टोल के द्वारा जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इसमें हमको ऐसा लगता है कि ये जो है ना हमारे इस क्षेत्र के लोग इससे बहुत प्रभावित है और इसका लाभ उठा रहे हैं। और हम लोग आने वाला समय में भी सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से, और इसमें जो है ना हम लोग एकजुटता कर, कंधे से कंधे मिल करके जो है ना हम लोग इस योजना को धरातल में पहुंचाने काम कर रहे हैं। और गांव-गांव में इसका जो है ना योजना का हम लोग पूरा उसको जानकारी दे रहे हैं। और एक चीज़ है, और एक योजना है जो ग्रीन कार्ड जो है ना गरीबों के लिए, ये भी नई योजना है जो हेमंत सरकार ने इसको लागू किया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आवेदन गिर रहे हैं।